अलैकुम। मैं आपको फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर पा रहा हूँ KMU BSN फोर्थ सेमेस्टर की। हमारे पास यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड एज कॉलिनर्जिक एंड एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, लेकिन जब भी आप फार्माकोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो बेटर ये होता है कि आप सबसे पहले जो है जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आप सिस्टम पे आते हैं और स्पेसिफिक एक सिस्टम्स की फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। क्योंकि आपका फोर्थ सेमेस्टर है तो थर्ड सेमेस्टर में जनरल फार्माकोलॉजी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हम सिस्टम्स पे आते हैं तो मैं स्टार्ट जो है बेटर ये होता है कि आप स्टार्ट लें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी से। क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो फार्माकोलॉजी है वो ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पे अप्लाई होती है। अक्सर ये ड्रग्स क्लिनिकली यूज़ होते हैं तो इसलिए हम स्टार्ट लेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी से। अच्छा देखिए, फार्माकोलॉजी में आप पढ़ते हैं ड्रग्स को, कि ड्रग्स हैं वो किसी न किसी डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। और डिजीज़ को समझने के लिए आपको समझ होनी चाहिए पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी की। ठीक है, तो अगर आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी को समझना चाह रहे हो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नॉर्मली किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है आपके बॉडी में। अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है तो वो किस तरीके से आपकी बॉडी में फिट है और वो किस तरह से अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है, तभी आप इस काबिल बनेंगे कि आप फिर उसमें डिजीज़ को समझें और उसकी फार्माकोलॉजी को पढ़ सकें। लिहाजा हमारे चैनल पे डॉक्टर हारिस शुएब खान पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपके पास वीडियो अवेलेबल होगी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उर्दू में भी अवेलेबल है और इवन इस वीडियो को हमने इंग्लिश में भी रिकॉर्ड करवाया है तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। बेटर ये होगा कि आप पहले इस वीडियो को देखिए, 20 से 25 मिनट की ये वीडियो है, ताकि आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बेहतरीन समझ आ सके, फिर आप आइए और उसकी फार्माकोलॉजी को समझिए। सो मैं आपको बताऊं कि जो आपका ये KMU का चैप्टर है कॉलिनर्जिक एंड एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स, कॉलिनर्जिक जो है आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो कॉलिनर्जिक एसिटाइल कोलीन एक छोटा सा न्यूरो ट्रांसमीटर है, हमारे ब्रेन में होता है, न्यूरॉन्स में होता है। तो बेसिकली ये सारी की सारी फार्माकोलॉजी उसके इर्द गिर्द घूमेगी। तो ये आपके पास डेस्कटॉप कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो दिखाई दे रहे हैं, इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें जो आपका नर्वस सिस्टम है, तो आपके पास जो नर्वस सिस्टम है वो दो तरीके से आपकी बॉडी में डिवाइडेड है। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग को इमेजिन करें, ह्यूमन बीइंग में बिल्कुल सेंटर पे देखें, सेंटर पे तो आपके पास एक ब्रेन दिखाई देता है और स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक इंसान के बिल्कुल सेंटर में है तो हम इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इस स्पाइनल कॉर्ड से फिर न्यूरॉन्स आती हैं और वो पूरी बॉडी में इस तरह से फैल जाती हैं। तो क्योंकि वो न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में फैल रही हैं, पेरिफरी की तरफ जा रही हैं, हम उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से अगर आप देखें एक इंसान का जो नर्वस सिस्टम है वो तीन हिस्सों पे डिवाइडेड है। एक तो आपके पास है ब्रेन, ठीक है, इसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड और उसके बाद आते हैं न्यूरॉन्स यानी कि नर्व्स। ठीक, तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये दोनों हिस्सा हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और जो नर्व्स हैं ये हिस्सा हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, और ये तीनों चीज़ें मिला के आपका नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, अब आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो आप नर्व्स की बात कर रहे हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर आपके पास डिवाइडेड है, कुछ सेंसरी नर्व्स होती हैं, कुछ मोटर नर्व्स होती हैं। इन दोनों के डिवीजन को समझने के लिए आप हमारे चैनल पे जो नर्वस सिस्टम के चैप्टर होंगे उसको जाके पढ़िए, आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। मोटर जो आपके पास डिवीजन्स है, मोटर डिवीजन्स फिर दो तरह की हैं, एक है ऑटोनॉमिक एक है सोमैटिक। इनका क्लियर डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ। सोमैटिक वो है जो आपके अपने कंट्रोल में है, जैसे कि ये आपके पास हाथ दिखाई दे रहे हैं, मैं अपने हाथों को मूव करवा रहा हूँ या मैं बातें कर रहा हूँ या मैं वॉक करता हूँ, ये जो सारा मेरे अपने कंट्रोल में जो सिस्टम है ये आपके पास सोमैटिक है, जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। ऑटोनॉमिक वो वाला नर्वस सिस्टम है या वो वाले बॉडी के एक्शंस हैं जो आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप अपनी हार्ट बीट कंट्रोल करके दिखाओ या आप इंटेस्टाइन को कंट्रोल करके दिखाएं, इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं जिनको आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते वो सारी की सारी आपके पास हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये भी दो में डिवाइडेड है, एक होता है सिंपथेटिक एक होता है
पैरासिंपथेटिक। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो फार्माकोलॉजी है वो भी फिर दो डिविजन्स में होगी, यानी सिंपथेटिक सिस्टम की फार्माकोलॉजी और पैरासिंपथेटिक सिस्टम की फार्माकोलॉजी। जो आपका ये वाला चैप्टर है जिसमें आप बात करते हो कॉलिनर्जिक्स की, कॉलिनर्जिक आपके पास पैरासिंपथेटिक सिस्टम में आता है। तो यानी कि बेसिकली इस लेक्चर में हम बात करेंगे पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की। सो आप एक बार फिर यही वही आपको बता रहे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डिविजन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक। सो वन वी हैव पैरासिंपथेटिक एंड सिंपथेटिक। लिहाजा बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लेक्चर दो बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक होते हैं वो ड्रग्स जो पैरासिंपथेटिक सिस्टम पे काम करेंगी, और वो ड्रग्स जो फिर सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम पर एक्शन परफॉर्म करती हैं। अच्छा, मेन डिफरेंस क्या है पैरासिंपथेटिक और सिंपथेटिक में? मेन डिफरेंस है न्यूरो ट्रांसमीटर का, यानी न्यूरो ट्रांसमीटर एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है जो कि पैरासिंपथेटिक सिस्टम में अलग है और सिंपथेटिक सिस्टम में अलग है। जो सिंपथेटिक सिस्टम है उसमें आपके पास है नॉर एड्रीनलिन, जबकि जो पैरासिंपथेटिक सिस्टम है उसमें है एसिटाइल कोलिन। ये दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि पैरासिंपथेटिक सिस्टम में इसका नाम एसिटाइल कोलिन है, इसी वजह से, इस नाम की वजह से आप कोलिन देखें, वी कॉल इट कोलिनर्जिक, ठीक है, क्योंकि वो एसिटाइल कोलिन है। आप ये देखें एड्रिनलिन, हम इसको कहते हैं एड्रिनर्जिक। तो सिंपथेटिक सिस्टम को रेफर करने के लिए एड्रिनर्जिक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वहाँ पे एड्रिनलिन है। पैरासिंपथेटिक सिस्टम को रेफर करने के लिए कोलिनर्जिक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वहाँ पे एसिटाइल कोलिन है। अच्छा, एक इंसान के जिस्म में दोनों ही सिस्टम है, यानी पैरासिंपथेटिक सिस्टम भी है और सिंपथेटिक सिस्टम भी है, दोनों में फर्क क्या है? अब देखें, एक तरफ पे अगर मैं बात करूँ पैरासिंपथेटिक सिस्टम की, एक तरफ पे सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है, तो दोनों में क्या फर्क है? जब आप रेस्टिंग कंडीशन में हो, आप आराम कर रहे होंगे, आपने खाना वगैरह खा लिया है, अपने घर में अपने कमरे में बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है आपको, कोई किसी किस्म का हार्ड वर्क या एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे, आराम कर रहे हैं, उस दौरान आपका पैरासिंपथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड होगा, सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड नहीं होगा। यानी कि ये देखें पैरासिंपथेटिक, अगर आप एक बैलेंस में देखें तो पैरासिंपथेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेटेड है जबकि सिंपथेटिक सिस्टम बिल्कुल ही नीचे गया हुआ है। इसके ऑपोजिट अगर आप देखें कि अगर आप फर्ज कीजिए कि भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी से लड़ रहे हैं, आपके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है और आप उससे भाग रहे हैं, ऐसे सिस्टम में एक तो आपको टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, आप एग्जॉस्टेड हो, एग्जेजरेटेड हो, इस तरह की कंडीशन में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती हैं उसके जो आप रेस्ट कर रहे थे। आप इसको फाइट और फ्लाइट कहते हो, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट इज कॉल्ड सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आपके पास सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें फुली एक्टिवेटेड है जबकि पैरासिंपथेटिक सिस्टम बिल्कुल डिप्रेस्ड है। तो इंसान एक वक्त में एक ही हालत में रह सकता है, या वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्टिवेटेड होगा या वो पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्टिवेटेड होगा। हम और आप इस वक्त क्योंकि आराम से बैठ के अपने लैपटॉप या मोबाइल पे लेक्चर सुन रहे हैं, तो यहाँ पे हम कोई ऐसा हार्ड वर्क या अपने स्केलेटल मसल्स को इस तरह से नहीं यूज़ कर रहे। सो हमारा बैलेंस जो है वो पैरासिंपथेटिक सिस्टम में ज़्यादा एक्टिवेटेड है, सिंपथेटिक सिस्टम में कम एक्टिवेटेड है। अच्छा, ओवरव्यू हम लेंगे क्योंकि हम पैरासिंपथेटिक सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसका अगर आप एक ओवरव्यू लीजिए तो आपके पास क्या होता है कि इसकी दो, जैसे आपने कहा, बड़ी बड़ी डिविजन्स हैं। एक तो आपके पास सिंपथेटिक में जो आपके पास है एड्रिनर्जिक ड्रग्स नॉर एड्रिनलिन की वजह से, एक कोलिनर्जिक ड्रग्स एसिटाइल कोलिन की वजह से। तो ये तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इस तरह से दो में डिवाइडेड है। लेकिन मजीद अगर आप ये देखिए कि आप जो आपके पास जो कोलिनर्जिक सिस्टम है यानी पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, तो पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम अब आपके पास दो तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं, इसकी फार्माकोलॉजी को। देखें, कुछ आपके पास वो ड्रग्स होंगी, वो ड्रग्स जो पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी, वो ड्रग्स जो पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी, एक वो ड्रग्स हैं, वी कॉल देम कोलिनर्जिक ड्रग्स। कुछ वो आपके पास ड्रग्स होंगी जो पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करेंगी या इनहिबिट करेंगी, तो वो होंगी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स।
मतलब क्या हुआ कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम भी दो में डिवाइडेड है। वो ड्रग्स जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करें दे आर कॉल्ड कोलिनर्जिक ड्रग्स या कोलिनोमाइमेटिक्स या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। और वो ड्रग्स जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर रही हैं वो क्या कहलाएंगी, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स या कोलिनो आपके पास कह सकते पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। ठीक है, तो आपके पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी दो में डिवाइडेड है, लिहाजा हमारे लिए भी बेटर होगा कि हम इस लेक्चर को भी दो हिस्सों पे डिवाइड करें। एक हिस्से में हम बात करेंगे आपके पास वो ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, लेक्चर का दूसरा हिस्सा होगा जो वो ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिए दोनों ही सिस्टम में आपके पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज कॉल्ड एज एसिटाइल कोलीन, यानी या आप एसिटाइल कोलीन के लेवल को इनक्रीज करोगे या आप एसिटाइल कोलीन के लेवल को डिक्रीज करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास मेन दो काम हो गए। अच्छा, एक बात याद रखिए, एक इंजाइम भी यहाँ पे मौजूद है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, जो कि आगे जाके आप देखेंगे वो उसका बहुत बड़ा रोल है इन ड्रग्स के हवाले से। सो कहते हैं कि देयर आर सम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, एक रिसेप्टर जिसके ऊपर एसिटाइल कोलिन आके बाइंड करता है, हम उसको कहते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर। फर्ज कीजिए ये आपके पास एसिटाइल कोलिन का मॉलिक्यूल है, ये अपने किसी लोकेशन पे आता है और वहाँ पे इसका एक रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो इस रिसेप्टर को हम नाम देते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, अच्छा जिस न्यूरॉन ने इस एसिटाइल कोलिन को रिलीज किया है उसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन। और ये जो साइनेप्स है, न्यूरॉन और रिसेप्टर का जो आपस में साइनेप्स है, जो आप जहाँ पे मिलते हैं न्यूरॉन और उसका जो रिसेप्टर है जिस लोकेशन पे मिलते हैं उसको साइनेप्स कहते हैं। तो क्योंकि इस साइनेप्स में इस केस में एसिटाइल कोलीन आ रही है वी कॉल इट कोलिनर्जिक साइनेप्स। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स जो इसके साथ एसोसिएटेड है। और फिर आपके पास है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, ये क्या है, ये बेसिकली इंजाइम है। ठीक है, इंजाइम, इसका मेजर काम क्या है कि फर्ज कीजिए कि ये आपके पास एक न्यूरॉन आ रहा है। ठीक है, अब ये न्यूरॉन है और यहाँ पे आपके पास कोई मसल्स है और ये उसका रिसेप्टर है। ठीक, यहाँ से एसिटाइल कोलीन रिलीज हुई और यहाँ पे उसने बाइंड किया और इस स्पेसिफिक मसल में कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म हुआ, फंक्शन परफॉर्म हो गया। अब उसके बाद ये जो बीच में एसिटाइल कोलीन आई हुई है उसका क्या बनेगा, वो कहाँ जाता है, तो देखें उसके लिए ये है कि यहाँ पे आपके पास इंजाइम होता है दैट इज प्रेजेंट इन द साइनेप्स। इंजाइम इस एसिटाइल कोलीन को ब्रेक डाउन कर देता है, इसको तोड़ देता है, तो ये एंजाइम जो एसिटाइल कोलीन को हाइड्रोलाइज करता है, ये उसको तोड़ता है, वी कॉल इट एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं, वन इज ट्रू एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, सेकेंड इज सुडो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। अच्छा, जैसे हमने बात की कि आपके पास रिसेप्टर है, एसिटाइल कोलीन जब किसी न्यूरॉन से रिलीज होता है तो वो रिसेप्टर पे जाता है। ये रिसेप्टर दो तरह के हैं, एक मस्करिनिक है और एक निकोटिनिक रिसेप्टर है। तो ये दो मेन रिसेप्टर्स हैं जो आपके पास पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में है। याद रखिए पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, मस्करिनिक और निकोटिनिक, मेनली मस्करिनिक रिसेप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं उनकी भी मजीद पांच टाइप्स हैं, M1, M2, 3, 4 एंड 5, जबकि जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं उनकी दो टाइप्स हैं, निकोटिनिक प्रेजेंट एट द गैंग्लियन लेवल, निकोटिनिक प्रेजेंट एट द मस्कुलर लेवल। ये सारी बातें, गैंग्लियन क्या है, निकोटिनिक एट द मस्कुलर लेवल और मस्करिनिक रिसेप्टर्स, ये सारी की सारी बातें जो मैंने आपके इस लेक्चर में स्टार्ट में एक आपको एक लेक्चर रेफर किया था कि आप पहले जाइए और आप समझिए या उस लेक्चर को पढ़ें जो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो लेक्चर है, आप अगर उसको पढ़ेंगे उसको समझेंगे तो ये रिसेप्टर आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगे और फिर आप उसकी ड्रग्स को भी आसानी से पढ़ लेंगे। फिलहाल आपके पास जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं मैंने कहा वो पांच तरह के हैं, M1, M2, 3, 4, 5, ये बॉडी में डिफरेंट लेवल्स पे प्रेजेंट हैं, M1, M4 और M5, ये तीनों आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट हैं यानी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं, जबकि आपके पास जो M2 और M3 है
ये क्या में प्रेजेंट है, एम टू स्पेसिफिकली प्रेजेंट है आपके हार्ट के ऊपर, और एम थ्री आपके प्रेजेंट है स्मूथ मसल्स के ऊपर। स्मूथ मसल में जैसे कि आपके पास GIT है और ब्लेडर है। पहली बात तो मैंने आपको इसकी लोकेशन बता दी, 1, 4, 5 ब्रेन में प्रेजेंट है, एम टू हार्ट के ऊपर और एम थ्री स्मूथ मसल्स के ऊपर, ये पहली बात हो गई। दूसरी ज़रूरी बात आपको बता दूं कि जो आपके पास M1, M3 और M5 है, यानी 1, 3, 5 ये वाले जो हैं, दीज आर स्टिम्यूलेटरी, ये एक्टिवेशन परफॉर्म करते हैं, जबकि जो M2 और M4 है, 2 और 4 ये इनहिबिटरी हैं, इनहिबिशन लाते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, 1, 3, 5 स्टिम्यूलेटरी हैं, किसी भी फंक्शन को बढ़ाते हैं, 2 और 4 घटाते हैं, इनहिबिटरी हैं। तो ये आपके पास एक ब्रीफ अकाउंट है कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद जो निकोटिनिक है, दैट इज प्रेजेंट एट द मस्कुलर लेवल और गैंग्लियन लेवल, ठीक है। तो जो NM है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा, जैसे मैं ये हाथ वगैरह हिला रहा हूँ ना, तो इसके जो स्केलेटल मसल है, यहाँ पे जो रिसेप्टर है, वो आपके पास निकोटिनिक NM रिसेप्टर है, ठीक है। और गैंग्लियन पे रिसेप्टर कहाँ होता है, तो मैं आपको गैंग्लियन समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे कि ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो जब यहाँ से एक न्यूरॉन बाहर आता है तो वो एक गैंग्लियन बनाता है, और गैंग्लियन से फिर वो रिसेप्टर जाता है किसी मसल के ऊपर। तो ये जो आप बीच में ये वाली लोकेशन देख रहे हो, इसको आप नाम देते हो गैंग्लियन का, कि ये गैंग्लियन है। सो ये इस टेबल में आप एक बार फिर दे सकते हैं कि आपके पास वही रिसेप्टर की लोकेशन है कि M1, M2, 3, 4 एंड 5। इफ यू सी M1 प्रेजेंट एट द CNS, M4 एंड 5 प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन। M2 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट द हार्ट, एंड M3 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट इज प्रेजेंट ऑन द स्मूथ मसल्स, जो कि GIT में है, यूरिनरी ट्रैक, ब्रोंकियल मसल्स वगैरह, ये सारे जो स्मूथ मसल्स हैं। क्लिनिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है M2 और M3। तो अगर आपने ड्रग्स समझनी है पैरासिम्पथेटिक की, तो आपको याद हो कि M2 प्रेजेंट है हार्ट के ऊपर और इनहिबिटरी है, याद रखिए M2 इनहिबिटरी है, M3 स्टिम्यूलेटरी है। तो क्या मतलब है कि जब M2 अपना काम करेगा तो हार्ट के ऊपर इनहिबिशन लाएगा, हार्ट के इफेक्ट को कम करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, ठीक है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगा, SA नोड की जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज करेगा। M3 स्टिम्यूलेटरी है और स्मूथ मसल पे प्रेजेंट है, तो यानी जो सिक्रीशंस, ग्लैंड्स वगैरह की सिक्रीशन है, स्टिम्यूलेटरी है तो बढ़ाएगा, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा क्योंकि M3 स्टिम्यूलेटरी है। अच्छा, वंस अगेन इस स्लाइड में एक बार फिर उन्हीं चीज़ों की बात की गई है, M1 की, M2 की, M3 की, N1 प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक तो गैस्ट, इसके अलावा गैंग्लिया के अलावा गैस्ट्रिक सेल्स में प्रेजेंट है, तो जो आपके स्टमक में आपको पता है HCL बन रहा होता है, तो HCL के बनने का ऑर्डर भी ब्रेन से आता है, और क्यों, बिकॉज यहाँ पे M1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो M1 रिसेप्टर के थ्रू आपके स्टमक में HCL की प्रोडक्शन होती है, सिक्रीशंस होती हैं। नेक्स्ट इज कार्डियक, वेयर M2 इज प्रेजेंट। तो अगर आप देखें कार्डियक मसल्स को, आप देखें तरह एट्रिया और वेंट्रिकल्स होते हैं, यहाँ पे SA नोड होता है, यहाँ पे AV नोड होता है, और इस तरह से उनकी कंडक्शंस होती है परकिंजी फाइबर के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे आपके पास रिसेप्टर है M2 और M2 होता है इनहिबिटरी, तो जब भी आपके पास एसिटाइल कोलिन आता है M2 के ऊपर, तो क्या करेगा, इन सब चीज़ों को डिक्रीज करेगा, SA नोड की जो कंडक्शन है उसको डिक्रीज करता है, AV नोड, ये वाली जो AV नोड है, कंडक्शन को डिक्रीज करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करता है। फिर आपके पास है M3 यू नो दैट इट इज़ प्रेजेंट ऑन द स्मूथ मसल्स, तो देखें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड वगैरह सिक्रीशंस हैं, इनक्रीज करता है। जो आपके पास ब्रोंकाए हैं, तो अगर आप ब्रोंकाए वगैरह देखें, तो ब्रोंकाए के ऊपर भी आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन लाता है, ब्रोंकियोल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके अलावा GIT जो आपके पास स्टमक और इंटेस्टाइन वगैरह है, उसकी भी कॉन्ट्रैक्शंस करता है। जो यूरिनरी ब्लेडर है, तो यूरिनरी ब्लेडर की भी
कॉन्ट्रैक्शंस करता है, तो M3 इन तमाम जगह पे प्रेजेंट है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस लेके आता है। नाउ वी हैव द निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो कि आपने देखा NM और NN, NM प्रेजेंट ऑन द मसल्स, NN प्रेजेंट ऑन द गैंग्लिया। और ये जो NM है ये अक्सर आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है, ऑटोनॉमिक में नहीं आता। NN गैंग्लिया के ऊपर प्रेजेंट है, तो एसिटाइल कोलिन पहले गैंग्लिया पे आता है और फिर उसके बाद जो है पोस्ट सैनेप्टिक न्यूरॉन के थ्रू वो जाता है मस्करिनिक के ऊपर। अच्छा, ये आपके पास एक न्यूरॉन है, हम बार बार बात कर रहे हैं कि आपके पास एक न्यूरॉन होता है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा इजी करके समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास ये एक न्यूरॉन है, तो आप इस न्यूरॉन को ज़रा देखें कि इस न्यूरॉन से यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होती है। तो बेसिकली कैसे रिलीज हो रही है, सबसे पहले तो आपके पास स्टार्ट यहाँ से होता है कि देखें, आप जब फूड लेते हैं, आपकी फूड में नमक वगैरह होती है तो वहाँ से सोडियम आता है, और इसके अलावा आपकी फूड से एक छोटा सा मॉलिक्यूल आता है कोलीन, ये हमारी खुराक से आता है। सोडियम और कोलीन एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू आपके न्यूरॉन के अंदर जाते हैं, ये को ट्रांसपोर्टर होता है, सोडियम और कोलीन दोनों को न्यूरॉन के अंदर लेके जाता है। ठीक है, तो ये दोनों न्यूरॉन के अंदर आ गए। अब न्यूरॉन के अंदर एक तो आ गई कोलीन, इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल होता है जिसको आप कहते हो एसिटाइल को इंजाइम ए। ठीक है, तो कोलीन और एसिटाइल को इंजाइम ए क्या करते हैं, कोलीन को और एसिटाइल को मिलाकर बना देते हैं एसिटाइल कोलीन। ठीक है, कोलीन आपकी फूड से आई है, एसिटाइल आपकी न्यूरॉन के अंदर है, तो ये दोनों आपस में मिलके बन गए एसिटाइल कोलीन। फिर ये एक वेसिकल के अंदर बंद हो जाते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे स्टोर रहे। अब जब कभी भी आपके पास एक्शन पोटेंशियल आ गया, यानी आपने खाना खा लिया है और आपका GIT कॉन्ट्रैक्शन करना चाहेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल करने के लिए यहाँ से आती है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम अंदर आएगी, जब कैल्शियम अंदर आती है तो ये जो वेजिकल की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को या वेजिकल को टूवर्ड्स लाएगी न्यूरोनल मेम्ब्रेन, और ये वेजिकल करीब करीब आता रहेगा न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ, और यहाँ पे इस तरह से वो न्यूरॉन मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाएगा, और उसके अंदर जितने भी एसिटाइल कोलिन है वो आपके पास सैनैप्स के अंदर बाहर आ जाएगी। सैनैप्स के अंदर ये देखें, जब ये बाहर आ रही है तो यहाँ पे उसका एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, उस रिसेप्टर पे जाके ये मिल जाएगी और अपना कोई भी जो फंक्शन होगा वो परफॉर्म करेगी। फंक्शन परफॉर्म करने के बाद एसिटाइल कोलिन कहाँ जाती है, तो यहाँ पे आप जानते हैं आपके पास इंजाइम है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इसको तोड़ देगा, कोलीन को अलग कर लेगा, एसिटाइल को अलग कर लेगा, ये कोलीन वापस मूव कर जाती है इनटू द न्यूरॉन और नए एसिटाइल कोलीन बना लेती है। तो ये इस तरीके से एक पूरे प्रोसेस के थ्रू अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन वो न्यूरॉन जहाँ से एसिटाइल कोलीन रिलीज होता है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन एसिटाइल कोलीन को किस तरह से रिलीज करती है। अच्छा, उसके बाद आप देखें एसिटाइल कोलीन, आपने बात की जैसे पिछली स्लाइड पे कि ये कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा, अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन की कि ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो आप देखिए एसिटाइल कोलीन, ये जो आपके पास न्यूरॉन्स हैं ये पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। सबसे पहला फंक्शन हम बात करेंगे हार्ट के ऊपर, एसिटाइल कोलीन का हार्ट के ऊपर क्या फंक्शन है। तो याद रखिए, हमने बात की हार्ट के ऊपर रिसेप्टर है M2, और आपको उम्मीद करता हूँ याद होगा M2 इज़ इनहिबिट्री रिसेप्टर, यानी ये इनहिबिट्री है, इनहिबिशन लाता है। जब एसिटाइल कोलीन M2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा तो हार्ट के अंदर क्या आएगी, इनहिबिशन आएगी, यानी कि हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, जो आपके पास है कार्डियक आउटपुट वो कम हो जाएगा, वी कॉल इट नेगेटिव क्रोनोट्रॉपी, नेगेटिव आयनोट्रॉपी। आयनोट्रॉपी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट मसल की कॉन्ट्रैक्शन, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, यानी कंडक्शन कम हो गई है, SA नोड से हार्ट रेट कम हो गया। आयनोट्रॉपी नेगेटिव, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन भी हार्ट की कम हो गई है, तो टोटल कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट इसका आप एक्शन लेंगे ब्लड वेसल्स के ऊपर। देखिए ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल में क्योंकि स्मूथ मसल्स हैं, और आपको मैं पहले बता चुका हूँ स्मूथ मसल के ऊपर होता है M3 रिसेप्टर। ठीक है, बाय M3 रिसेप्टर ये क्या करता है, ये वेजो डायलेशन करवा देता है,
वेजोडायलेशन करवाएगा वो ब्लड वेसल्स जो स्मूथ मसल की तरफ गई हैं, यानी जीआईटी की तरफ जो गई हैं, इंटेस्टाइन की तरफ गई हैं या ब्लेडर की तरफ गई हैं, उनकी वेजोडायलेशन होगी और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा टुवर्ड्स योर जीआईटी, टुवर्ड्स योर ब्लेडर एटीसी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है जीआईटी। एसिटाइल कोलीन का जीआईटी के ऊपर क्या इफेक्ट है? जिन लोगों ने पैरासिंपैथेटिक सिस्टम जिनका एक्टिवेटेड है, तो आपको पता है कि ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट है, तो जीआईटी में क्या होगा, ये इंटेस्टाइन वगैरह, स्टमक वगैरह, फर्स्ट की खाना खाना वगैरह खा चुके हैं, अपने कमरों में रेस्ट कर रहे हैं, तो अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे सिक्रीशंस इंक्रीज होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आती है, जीआईटी कॉन्ट्रैक्ट करती है, फूड की मिक्सिंग करती है, फूड को जो है डाइजेस्ट करती है, जीआईटी की जो मोटिलिटी है वो बढ़ती है। तो एसिटाइल कोलिन का जीआईटी पे क्या फ़र्क है? एसिटाइल कोलिन क्या करता है, स्लाइवरी सिक्रीशंस को इंक्रीज करता है सबसे पहले, इन जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस हैं इंक्रीज होती हैं, जीआईटी की मोटिलिटी इंक्रीज होती है। अच्छा, उसके बाद रेस्पायरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट है? अगर आप रेस्पायरेटरी सिस्टम देखिए कि हम जैसे अपने कमरे में बिल्कुल आराम कर रहे हैं, तो आपकी जो रेस्पायरेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, आप जो सांस ले रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा सांस की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल जो आपका नॉर्मल लेवल है सांस का, तो क्या होगा कि आपको बड़ी बड़ी ब्रोंक्यूल्स चाहिए या छोटे छोटे? ऑब्वियसली जब आप आराम कर रहे हैं आपकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई होती है, यानी ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्टेड होती हैं और कम ऑक्सीजन जा रही होती है, तो ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी M3 करवा रहा है, दैट इज प्रेजेंट ओवर हेयर। अच्छा, यूरिनरी सिस्टम, अक्सर रात को जब आप सोने जाते हैं या आप नींद से उठें तो आपको यूरिन की अर्ज होती है, क्योंकि आपका ब्लेडर अगर फुल है, तो ब्लेडर फुल है तो उसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और वो ब्लेडर की कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, तो जब ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपको यूरिन की अर्जीज आती हैं। एंड देन वी हैव सम ग्लैंड्स, जैसे स्वेट ग्लैंड्स है, सीबेशियस ग्लैंड्स या लैक्रिमल ग्लैंड्स, यानी आँखों से जो आंसू वगैरह आते हैं, पसीना आना, या सीबेशियस वगैरह जो है जो आपके पास होता है म्यूकस वगैरह, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये जितनी भी सिक्रीशंस हैं ये इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है। और फिर है आपके पास आइज, कि एसिटाइल कोलिन का आपकी आंखों पे क्या फर्क पड़ता है? देखें, आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं तो आपकी ज्यादा से ज्यादा नजर सामने वाली दीवार पे जा रही है। ठीक है, तो क्या आपको बहुत बड़ा प्यूपिल चाहिए या छोटा प्यूपिल? ठीक है, सो आपके प्यूपिल्स छोटे होते हैं, वी कॉल इट मियोसिस, यानी जो आपके पास प्यूपिल है उसकी कंस्ट्रिक्शन को वी कॉल इट मियोसिस। तो ये कैसे कंस्ट्रिक्ट करता है? देखिए, यहाँ पे सर्कुलर मसल्स होते हैं आयरिस के, वो कंट्रैक्ट करते हैं, सीलियरी मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं और आप नियर विजन देखते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे एक्वस ह्यूमर है, आपको पता है यहाँ पे ह्यूमर होता है, उसका प्रेशर भी कम होता है, तो यानी और इंट्रा ऑकुलर प्रेशर भी रिड्यूस्ड होता है। अच्छा, अक्सर जो आपके पास जो है आंसू वगैरह का आना, वहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, तो लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू वगैरह भी आते हैं, या आपकी आंखें जो हाइड्रेटेड रहती हैं। और फिर ये आपके पास इस स्लाइड में स्पेसिफिकली जो है एक एम्फेसाइज किया जा रहा है हार्ट के मसल्स के ऊपर। देखिए, जो हार्ट होता है, हार्ट के सेल को आप कहते हो कार्डियोमायोसाइट। ठीक है। अब ये जो आपके पास है ऑन द राइट साइड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम से एक नर्व आती है वेगस नर्व। वेगस नर्व एसिटाइल कोलीन लेके आ रही है। एसिटाइल कोलीन M2 रिसेप्टर के ऊपर जाता है। M2 रिसेप्टर आप अच्छे से जानते हैं इनहिबिटरी है, तो इनहिबिशन करते हैं तो क्या इन नेगेटिव क्रोनोट्रॉपी, यानी जो कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का वो डिक्रीज होगा, नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपी। सिमिलरली जो आपके पास है AV नोड से जो आगे कंडक्शन है डिक्रीज है, नेगेटिव आयोनोट्रॉपी। नेगेटिव आयोनोट्रॉपी क्या है, यानी कि जो आपके पास कार्डियक मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो भी डिक्रीज है, यानी ज़्यादा पावरफुली कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। एंड नेगेटिव ल्यूसीट्रॉपी। ल्यूसीट्रॉपी होती है कि आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन जो उसकी रिलैक्सेशन है, तो वो आराम आराम से रिलैक्स करता है। ठीक है। तो ये आपके पास सारा का सारा डिक्रीज हो जाता है इन पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर आप सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को देखें, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम से जो आपके पास न्यूरो ट्रांसमीटर आता है वी कॉल इट नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। अब वो आपके पास या तो β1 रिसेप्टर पे आता है या β2 रिसेप्टर पे आता है, उसके अपने अलग रिसेप्टर्स हैं। β1 रिसेप्टर इज स्टिम्यूलेटरी रिसेप्टर। तो जब नॉर एपिनेफ्रीन β1 रिसेप्टर पे एक्शन परफॉर्म करेगी,
तो वो क्रोनोट्रॉपी को पॉजिटिव करेगी, यानी कि कंडक्शन सिस्टम इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपी कंडक्शन थ्रू द एवी नोड इंक्रीज होगी, पॉजिटिव आयोनोट्रॉपी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, आपके पास जो कार्डियक की कॉन्ट्रैक्शन है इंक्रीज होगी, पॉजिटिव ल्यूसीट्रॉपी और वो ज़्यादा जल्दी रिलैक्स करेगा और फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये इफेक्ट होता है कार्डियोमायोसाइट, यानी जो आपके पास हार्ट का जो सेल है उस पे पैरासिंपथेटिक सिस्टम का किस तरह से एक्शन है और सिंपथेटिक सिस्टम का कैसे एक्शन परफॉर्म होता है। इसके अलावा फिर अगर आप एज अ ड्रग बात करें ना, तो एसिटाइल कोलीन के आपने देखा पूरी बॉडी पे इफेक्ट है, लेकिन हम इसको एज अ थेरापूटिक यूज़ पे नहीं ले सकते। एसिटाइल कोलीन को डायरेक्टली किसी बीमारी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नॉन सिलेक्टिव ड्रग है। आप आँखों के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको पता है एसिटाइल कोलीन का तो हार्ट पे भी इफेक्ट है, जीआईटी पे भी इफेक्ट है, ब्लेडर पे भी इफेक्ट है, तो यानी कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इंतहाई नॉन सिलेक्टिव ड्रग है, क्लिनिकली नॉन सिलेक्टिव ड्रग को हम प्रेफर नहीं करते, क्लिनिकली सिलेक्टिव ड्रग्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, सो ये जो आपके पास कॉलिनर्जिक ड्रग्स हैं, यानी वो ड्रग्स जो क्या करती हैं, जो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्शन परफॉर्म करती हैं, उनको हम कहते हैं कॉलिनर्जिक ड्रग्स। यहाँ पे जो स्पेसिफिक ड्रग्स हैं वो क्या कर रही हैं, कॉलिनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। वो ड्रग जो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करें, वी कॉल देम कोलिनोमाइमेटिक्स, और वी मे ऑल्सो कॉल देम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। वो ड्रग्स जो कोलिनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं, इनमें आपके पास आती है एक तो एसिटाइल कोलीन है, लेकिन इसको क्लिनिकली यूज़ नहीं करते। इसके अलावा पाइलोकार्पीन है, कार्बाकॉल है, बेथानिकोल है, इसके अलावा आपके पास है इकोथायोफेट, इसके अलावा नियोस्टिग्मीन, फाइजोस्टिग्मीन, पाइरिडोस्टिग्मीन और गैलेंटामीन, यानी तकरीबन 9 तरह की अलग अलग ड्रग्स हैं। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात समझाऊं, देखिए कुछ आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं, कुछ आपके पास इनडायरेक्ट एक्टिंग है, और इनडायरेक्ट भी 2 तरह की हैं। इनडायरेक्ट कैसे 2 तरह की हैं, एक इरिवर्सिबल हैं और एक रिवर्सिबल हैं। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। अगर आपके पास एक मैं ब्लैंक स्क्रीन पे आपको दिखाऊं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखें कि ये आपके पास एक न्यूरो ट्रांसमीटर आ रहा है, सॉरी न्यूरॉन आ रही है एसिटाइल कोलिन की, ठीक है, एसिटाइल कोलिन की नर्व आ रही है, और यहाँ पे आपके पास कोई मसल्स हैं और ये उसका रिसेप्टर है, यानी ये मस्करिनिक रिसेप्टर है। ठीक, अब आपके पास जो नंबर वन पहले ड्रग्स हैं जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स, ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग में जैसे आपने देखा पाइलोकार्पीन ड्रग थी, इसके अलावा बेथानिकोल थी, इसके अलावा कार्बाकॉल थी, ये जो ड्रग्स हैं दीज आर डायरेक्ट एक्टिंग, मीन्स कि ये ड्रग डायरेक्टली आके इस रिसेप्टर के ऊपर काम करेंगी और इसको एक्टिवेट करेंगी, दीज आर डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। एक होती हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स क्या होती हैं, पहली बात तो याद रखिए इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स रिसेप्टर के ऊपर नहीं जाती, ठीक है, ये रिसेप्टर पे नहीं जाती, तो ये काम कैसे करती हैं, देखिए ये जो आपके पास न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन से आया एसिटाइल कोलीन, एसिटाइल कोलीन ने यहाँ अपना एक्शन परफॉर्म किया, और उसके बाद आप जानते हैं एसिटाइल कोलीन क्या हो जाता है, टूट जाता है, कोलीन अलग और एसिटाइल अलग, इसको तोड़ने में जो इंजाइम था उस इंजाइम को आप कहते हैं एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, याद रहे आपको एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इंजाइम क्या करता था, एसिटाइल कोलिन को तोड़ देता था। अगर मैं ऐसा करूं कि एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को किसी तरीके से ब्लॉक कर दूं, यानी ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो इंजाइम है अगर ये अपना काम न करे तो क्या ये एसिटाइल कोलिन को तोड़ पाएगा, ऑब्वियसली नॉट, यानी कि ये इंजाइम अगर ब्लॉक हो जाए तो एसिटाइल कोलीन के लेवल को कम नहीं किया जाएगा, बल्कि एसिटाइल कोलीन के लेवल इंक्रीज हो जाएंगे। वो इंजाइम जो एसिटाइल कोलीन को तोड़ता था, आपने उस इंजाइम को अगर ब्लॉक कर दिया तो एसिटाइल कोलीन का लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जो हैं वो दरअसल क्या करती हैं, वो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को ब्लॉक करती हैं। जब ये इंजाइम ब्लॉक हो जाएगा एसिटाइल कोलीन का लेवल खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा और वो अपना एक्शन ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कर सकेगा।
तो आपके पास दूसरी टाइप थी इनडायरेक्ट एक्टिंग। अब एक बात याद रखिए, इनडायरेक्ट एक्टिंग दो तरह की थी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इसको ज़रा समझिए, जो रिवर्सिबल है यानी एक बार आपने इसको ब्लॉक किया ना, थोड़ी देर बाद ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी ड्रग हट जाएगी, वो रिवर्सिबल है। यानी अगर ये आपके पास इंजाइम है और ये आपकी ड्रग उसके ऊपर आती है तो थोड़ी देर के लिए उसको ब्लॉक रखेगी, उसके बाद हट जाएगी, यानी रिवर्स हो जाएगी, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में जो आपके पास ड्रग्स हैं, वी हैव फाइजोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन, पायरिडोस्टिगमीन, गैलेंटामीन, इस तरह की। एक होती है इरिवर्सिबल ड्रग्स। इरिवर्सिबल क्या, यानी कि अगर ये इंजाइम है और ये आपके पास ड्रग है और इसने इसको बाइंड कर लिया है तो वापस ये उसको छोड़ेगा नहीं, यानी वो उसको परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। और हम परमानेंटली ब्लॉकिंग नहीं चाहते, क्योंकि ऐसी ड्रग्स ड्रग्स नहीं होती बल्कि वो पॉइजन होता है, जहर होता है। जैसे कि आपके पास इरिवर्सिबल में आती है इकोथायोफेट। बस